अरे यार, उसको छोड़ दे। और राज के शासन का थाना है अशोकनगर, और यहाँ आम जन के बड़े बड़े मकान भी हैं, आवाजाही बंद कर दी, और की तो कर दी, लेकिन मैं तो मुस्तगिस पार्टी हूँ, मांग करता हूँ। आपको जो जवाब दिया पुलिस ने, आप उससे संतुष्ट हैं? इन्होंने कहा कि परिवाद ले लिया है। मैंने परिवाद ले लिया, हमको तो कोई परिवाद दर्ज भी हुआ है कि नहीं हुआ, कोई कॉपी हमको तो मिली नहीं। और मेरे तो ये बात, मैं रात को पूर्व स्पीकर सुमित्रा सिंह जी का पलंग लाया था, अब वो सुमित्रा सिंह जी ने मेरे को पलंग दिया बेचारी ने, उसको भी जब्त कर लिया इन्होंने। एक पंखा दे गया था आप जैसा, उस पंखे को भी जब्त कर लिया। मेरा एक गदरा तकिया और वो चादर थी, उसको भी ले गए। थोड़ा मोड़ा सामान और था, तो मेरा तो कंगाली माटा गीला हो गया। तो आप आज दोबारा मंगाएंगे सारा सामान? मेरा वो छोटा सा वाटर प्रूफ था, उसको भी दे दो। सामान को सब कुछ दे दो, सामान को दे दो। सॉरी डॉक्टर साहब, एक क्योंकि रास्ता रोकता है, कहीं भी आप प्रदर्शन होता है तो पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, यहाँ तो कुछ पुलिस ने ही रास्ता रोका हुआ है, क्या कहना? उसके बाद भी पुलिस अपने खिलाफ, मेरे खिलाफ रास्ता रोकने का, राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज जरूर कराएगी। ऐसा करती है पुलिस, रास्ता यही रोकते हैं और यही राजकार्य बाधा और रास्ता रोकने का मुकदमा दर्ज करा देंगे। इनको क्या दोष है? राजस्थान के मुखिया नंबर एक के आदेश से तो इनको तो करना ही पड़ेगा बेचारों पालना। और मेरा कर्तव्य बनता है कि भ्रष्टाचार उजागर हो, भ्रष्टाचारी जेल के शिक्षों में जाए, तो मैं भी आसानी से हटने वाला नहीं हूँ। अभी जबरदस्ती गिरफ्तार करेंगे बात अलग है, मेरे को तो पता ही नहीं था, वरना बिस्तर साथ लेकर आता तो यहाँ बचा के बैठ जाता। ये है, चूंकि अगर जबरदस्ती गिरफ्तारी होती है तो एक सांसद के अधिकारों का हनन है, प्रिविलेज मौसम बनता है, तो वहाँ क्या संसद में आप इसको लेकर कार्रवाई करेंगे? मैं आमतौर पर प्रिविलेज मौसम लगाता नहीं हूँ, क्योंकि वो एक सस्ती लोकप्रियता पाने का साधन है। देखो, राजनीति में आंदोलन चलते हैं, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, जब उनको लगता है कि ठीक ही नहीं हो रहा तो उनका अधिकार है आंदोलन को रोकना, गिरफ्तारी करना, मोब को प्रिवेंट करना, और उसमें झड़प भी हो जाती है, पुलिस मार पिटाई भी कर देती है। मेरे कपड़े फाड़ दिए थे सामोद थाने पर, और मेरे को नग्न प्राय कर दिया था, फिर भी मैंने तो उनके खिलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि यहाँ तो फूल थोड़े बरसते हैं तो पत्थर या लाठी बरसेंगी। जी मेरा क्या है कि 48 घंटे हो गए, आप सबको पता है कि दो प्रकरण, एक प्रकरण तो ये है कि दो फर्मों ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी प्रमाण पत्र देकर 900 करोड़ के काम प्राप्त कर लिए, तो उनका तो बनता है फोर्जरी का मामला 420, 467, 471 का, जो आईपीसी ऑफेंस है, जो इनकी जिम्मेदारी है, उनको दर्ज करो। दूसरी एफआईआर वो है कि जानबूझकर सरकार के अधिकारियों ने, जिस पर मंत्री जी भी विराज गए वित्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर, कि वित्त विभाग का आदेश है कि आप पारदर्शिता बरसोगे, आरटीपीपी एक्ट का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। इन्होंने आरटीपीपी एक्ट का वॉयलेशन करके पारदर्शिता ख़त्म कर दी, जिससे 20,000 करोड़ के टेंडर 30-40% अबो चल गए, पूलिंग हो गई। तो ये मैं मान, ये भी वैसे तो आईपीसी का ऑफेंस है, आरटीपीपी एक्ट को दर्ज करना चाहिए, पर नहीं कर रहे हैं, तो उसको एसीबी को भेज दे भले ही, और एसीबी को जो भेजा है वो कॉपी हमें दे दे। और पहला फॉर्जरी का मुकदमा दर्ज करने का तो इनको ही करना चाहिए, अब ये उसको भी एसीबी को भेज रहे हैं, एसीबी वापस यहाँ पर भेज देगी, तो वही लटकाने अटकाने भटकाने का काम हो गया। अब मैं शांतिपूर्ण तरीके से बैठा हूँ 48 घंटे से, तो मेरे वहाँ 4-5 कार्यकर्ता उनको उठा के ले गए, मैंने जो गदला बिछा रखा था उसको उठा के ले गए, तकिया ले गए, चद्दर ले गए, पंखे ले गए, रात को पंखा लगाया था उसको ले गए। सुमित्रा जी आई थी जो हमारी पूर्व स्पीकर हैं, उन्होंने कहा तुम ऐसे नीचे मत सो, कोई सांप वगैरह आ जाएगा, तो अपना पलंग दे गई थी,
तो उनका पलंग भी उठा ले के ले गए। तो ये तो अत्याचार है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मनाम कोई अशांति कर रहे थे, कहीं शांति भंग होने की संभावना है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, सामान भी जब्त करो, हमको भी उठाओ, सारी गाड़ियों को उठा ले गए, कार्यकर्ताओं की कार्यकर्ताओं को ले गए। तो ये तो इमरजेंसी के हालात पैदा करने पे उतारू हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और वो इसलिए हैं कि सरकार के बड़े आला अफसर और कुछ मंत्री, कुछ MLA और कुछ चुनिंदा ठेकेदारों ने मिल के राजस्थान को लूटा है। चाहे वो खान का मामला हो, चाहे IT विभाग का मामला हो, चाहे जल जीवन मिशन का मामला हो। तो हम माननीय डिप्टी साहब से, विक्रम सिंह जी से कहेंगे कि हमको हमारे धरना स्थल पर जाने दें। SCP साहब खड़े हैं, यहाँ मना कर रहे हैं। हाँ मैं प्रार्थना फिर कहेंगे इन्होंने साहब हाथापाई करी, तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप हमको जाने दें। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कहाँ बताने के लिए बोल रहे हैं? मेरा धरना स्थल नहीं, ये आप कहाँ बताने के लिए बोल रहे हैं? घर बता रहे हैं। घर से तो मैं आया हूँ, इतनी जल्दी क्या रहेगा आपको? जो बेटी नहीं दे रहे, धरना नहीं दे पाएंगे तो क्या कोर्ट शरण लेंगे आप? नहीं, कोर्ट तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, धरने में कोर्ट थोड़ा परमिशन देगा। मामला दर्ज नहीं हो पा रहा, आप बोल रहे हैं कि वो तो पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी किस जरिए, किस कानून के तहत ये मुकदमे दर्ज हों। लेकिन पुनः मेरा आग्रह रहेगा कमिश्नर साहब को, ACP साहब को और अपने अशोक नगर के इंचार्ज साहब को, इन्होंने पहले शुरू में कह दिया था कि एक को हम ACP को भेज देते हैं और एक को हम CCTN में दर्ज कर लेते हैं। अभी मुखर गए, फिर कमिश्नर साहब ने बुलाया मेरे को, उन्होंने भी कहा कि एक को ACP में भेज देते हैं क्योंकि ACP का बनता है, एक को CCTN में दर्ज कर लेते हैं। तो उनको कहीं ऊपर से आया होगा, ऊपर तो एक ही है गृहमंत्री, उन्होंने कहा होगा तो मामला दर्ज नहीं हो रहा। अभी स्थिति बिगाड़ना चाहते हैं, कोई जो बिगड़ेगी तो इनकी जिम्मेदारी है।